ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं YouTube का चैनल जिसको क्लेम ये ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट एंड तक हम देखते रहे कि मार्केट तकरीबन 665 पॉइंट प्लस तक गई और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग रही 570 पॉइंट प्लस के साथ 45,155 के करीब। बीच बीच में शॉर्ट करेक्शन शॉर्ट डिप आती रही मार्केट के अंदर, लेकिन फाइनली 570 पॉइंट प्लस के साथ 45,155 का हाई लेवल मार्केट ने टेस्ट किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स आज भी कल से बढ़कर हुए, आज 549 मिलियन के वॉल्यूम्स है जो कल से ज्यादा थे, कल तकरीबन 438 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स डे बाय डे इंक्रीज कर रहे और ये भी एक तरह से एक अलार्मिंग सिचुएशन बता रहे हैं कि वॉल्यूम्स का इजाफा होना छोटे स्क्रिप्ट में होना ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ कंटिन्यू है। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जैसे WTL, PRL, फौजी फूड, TPLP, CNRG ये टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स आपके सामने है रिफाइन में स्कैबर्ट वेको नेस्ले, जबकि टॉप डिक्लाइन में बाटा प्रीमियम टेक्सटाइल टॉप डिक्लाइनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजिशन देखें तो आज टॉप पे 194 पॉइंट्स कमर्शियल बैंक के रहे, सीमेंट सेक्टर सेकंड नंबर पे, जबकि ऑयल एंड गैस, फूड सेक्टर्स, केमिकल सेक्टर तकरीबन तमाम सेक्टर्स में पॉजिटिव एक्टिविटी देखी। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टी, मिसलिनियस, क्लोज एंड फंड इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कल से एक न्यूज का एक सिलसिला स्टार्ट था जिसमें सबसे पहले रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग को यानी बेहतर किया, जिसकी वजह से आज हमें ये रिएक्शन देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम देखें तो IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो मामला है वो तय पा गया है, जो गवर्नमेंट ने 8 बिलियन का जो प्रोग्राम बताया था कि जो यानी कि फ्रेंड कंट्री से जो अरेंज करेंगे यानी कि देखा जाए तो IMF ने इसको अप्रूव कर दिया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज की सबसे बड़ी खबर ये रही कि स्टेट बैंक को रिसीव हो गए $2 अरब यानी सऊदी अरब की तरफ से, जिसकी वजह से जो मार्केट में एक मोमेंटम करेक्शन का था उसके अंदर मजीद एक बूस्ट मिला और मार्केट ने एक नया हाई लेवल टेस्ट किया। इसके अलावा भी IMF के हवाले से गवर्नमेंट काफी बार बता चुकी है कि 8.2 अरब डॉलर फाइनेंसिंग का मंसूबा मान लिया है और इसकी प्लानिंग भी बताई है कि किससे कितने अरेंज होंगे कि एशियाई बैंक से और दूसरे सऊदी अरब से, UAE से, इन सब से मामला यानी कि अरेंज होंगे। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, क्रूड ऑयल तकरीबन देखा जाए तो 73.51 के पास ट्रेड कर रहा है, 74 का लेवल सस्टेन करता है तो नो डाउट 75 से लेकर 77 मूव कर सकता है, अदरवाइज 72.50 का लेवल ब्रेक करता है तो 72 से लेकर 70 तक मूव कर सकता है डाउनसाइड की तरफ। क्रूड ऑयल में भी अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड की सिचुएशन में चल रहा है, तो ओवरऑल क्रूड ऑयल में स्टॉप लॉस याद रखें 74 का लेवल। इसलिए अगर हम देखें गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, गोल्ड सिल्वर में आज इजाफा हुआ है, $10 इजाफा हुआ है गोल्ड के अंदर, जबकि अगर हम सिल्वर देखें तो सिल्वर में भी 3 सेंट का इजाफा हुआ है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा हायर जाके दोबारा डिक्लाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें 45,355 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और 45,050 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। वीकली एवरेज के हिसाब से देखें तो मार्केट 1804 पॉइंट ओवरबोट की साइड पर आ चुकी है, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 2157 पॉइंट मार्केट ओवरबोट हो चुकी है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो हायर साइड की साइड पर परफॉर्म कर रही है। अच्छा, मार्केट में देखा जाए तो एक चीज चल रही थी यानी कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, यानी कि इस वक्त अगर हम मार्केट की पोजिशन देखें तो मार्केट में एक प्री रैली चल रही थी, IMF प्री रैली, उसमें यह था कि IMF का प्रोग्राम हो जाएगा और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ईद से पहले एक मामला दिया था और ये लेवल हम अपने यानी कि बताते भी रहे थे पिछले वी लॉक्स के अंदर कि मार्केट ने जब मार्केट आपकी 40 और 41 हज़ार के दरमियान होती थी तब हम ये कहते 2-4 हज़ार पॉइंट का इजाफा होगा, कभी भी आपको डराते नहीं थे कि 38 हज़ार या 36 हज़ार या 35 हज़ार हो जाएगी, हमेशा हौसला अफजाई करते थे और बताते थे कि मार्केट ने आने वाले दिनों में ऐसा लेवल टेस्ट करना है। फिर हमने देखा कि जब गवर्नमेंट ने एक यानी कि अनाउंसमेंट की कि IMF के प्रोग्राम की तरफ मूव करें तो मार्केट में एक रैली बनी और मार्केट ने एक रैली को कंटिन्यू किया क्योंकि प्री IMF रैली थी। चूंकि अब कल जैसे कि 12 तारीख है और 12 तारीख को IMF का यानी कि रिव्यू होगा, इजलास होगा, उसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि IMF का प्रोग्राम यानी कि जो पाकिस्तान का और IMF का मामला यानी हो जाएंगे और प्रोग्राम अचीव हो जाएगा, तो इसलिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा।
देखें ये चीज है कि जब बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, जब तक रूमर चल रही होती है तब तक रैली या मंदी, तेजी या मंदी हो रही होती है। जैसे न्यूज आ जाती है तो फिर मार्केट में यानी गिरावट भी होती है। कल ये भी पॉसिबल है कि कल जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो शाम तक आए और इस तरीके से एक न्यूज मिले, लेकिन कल के दिन भी मार्केट आपकी हाई साइड पर होगी। आपने यही करना है कि एहतियात बरतनी है। एहतियात बरतने से मुराद क्या है कि मार्केट जैसे कि 2,400-500 पॉइंट हायर पे जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉप लॉस यूज करें, इस लेवल पे अग्रेसिव ना हो। क्योंकि माजी को याद रखें कि माजी में जब आप बढ़ चढ़ कर अग्रेसिव होकर चीजों को बाय करते थे तो उसमें आपको 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने वेट करना पड़ता था, लेकिन अब भी वही सिचुएशन है कि मार्केट तकरीबन ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट से ज्यादा गेन कर चुकी है। मार्केट में नो डाउट हो सकता है यहाँ से 500-1,000 पॉइंट और बढ़े, लेकिन ये ना हो कि हाई प्राइस के स्टॉक हाथ में रह जाए। ऐसा अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो नो डाउट मार्केट का जो व्यू है, मोमेंटम बना हुआ है, वो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। लेकिन अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड यानी कि ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। इस वक्त तकरीबन 98% मार्केट ओवरबोट हो चुकी है। मार्केट में यानी कि शॉर्ट करेक्शन जो होती है 100-200 पॉइंट की तो हो सकती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेवल है एक 45,000 का लेवल है। अगर 45,000 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट शॉर्ट करेक्शन की तरफ मूव करेगी। लॉन्ग करेक्शन स्टार्ट होगी 44,700 ब्रेक करने के बाद। ये याद रखना है आपने कि 44,700 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन यानी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हो सकती है। अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के ऊपर देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से भी अगर हम देखें तो मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और तकरीबन आपको याद होगा 39,800 से मार्केट मूव होना शुरू हुई है और इस वक्त 45,000 यानी तकरीबन 155 के आसपास ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम लेवल देखें लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से 45,500 या 46,000 का लेवल और मार्केट ये लेवल टच कर सकती है, लेकिन मार्केट में इस एरिया में ये जो एरिया होगा ये डेंजर एरिया होगा। इस एरिया में लॉन्ग प्लानिंग करना, लॉन्ग होल्डिंग करना थोड़ा सा हाईली रिस्की होगा। कल के दिन आपने ये करने का 45,000 जैसे कि मार्केट क्लोज रही है 155 के करीब, 45,250 का मार्केट लेवल ब्रेक करती है, हाई लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट के पास जगह होगी 45,300 से लेकर 600 की। इस एरिया में प्रॉफिट टेकिंग करें और 45,000 को स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें। अगर ये ब्रेक हो तो फिर बाइंग स्टॉप कर दें और जिनमें नफा हो या तो स्टॉप लॉस लगा लें या प्रॉफिट टेकिंग करें। अच्छा, बहुत सारे स्टॉक्स आज भी हमने सेक्टर्स देखे जिनमें हमने प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी। रिफाइनरीज में हमने प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी, हाई सेट पे मौका मिला 222 के करीब तकरीबन देखा जाए तो एनआरएल में मौका मिला और ATR में 218-219 का मौका मिला, फिर बाद में 211-212 के करीब क्लोजिंग भी आई। इसी तरीके से रिफाइनरी में प्रॉफिट टेकिंग आई, टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट टेकिंग आई, इसके साथ ही ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट टेकिंग कॉल जो दी गई थी, प्रॉफिट टेकिंग आने के बाद थोड़ी सी रिकवरी भी आई। इसके साथ ही छोटे स्क्रिप्ट जो बताए गए थे जिसमें TPL, ट्रीट कॉर्पोरेशन, इनमें एक अच्छा मौका भी मिला और बाद में गिरावट भी। कल के दिन भी ये स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं जो छोटे स्क्रिप्ट नहीं चले, लेकिन इनको भी आप स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हैं और नॉर्मल क्वांटिटीज के साथ देख सकते हैं। जैसे कि फौजी फूड, आपका जो है फौजी फूड चल सकता है 7 से लेकर 9 रुपए तक जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसके अलावा TPL प्रॉपर्टी से ये भी थोड़ा सा अगर डिप रहता है तो एक्युमुलेशन फेज में एक अच्छी रैली की तरफ कन्वर्ट कर सकता है। बर्जर पाकिस्तान एंड बक्सली पेंट, इनमें एक अच्छी यानी कि रिकवरी बन सकती है। जबकि अगर हम देखें यानी कि शब्बीर टाइल्स, इसमें एक अच्छा मौका मिल सकता है। छोटे और भी काफी स्क्रिप्ट हैं जिनमें मोमेंटम पॉजिटिव बन सकता है। लोटे केमिकल आज जमा हुआ है और कल इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। स्पेशल गुरु में इन्हीं चीजों को हम हाईलाइट कर रहे होते हैं और साथ साथ यानी गाइडलाइन भी दे रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग करें, ज्यादा क्वांटिटी में काम ना करें, क्योंकि हाई लेवल पे ज्यादा क्वांटिटी में काम करना एक तरह से बेवकूफी होती है। जब मार्केट आपके लोअर साइड पर हो तो आप हाई वॉल्यूम के साथ काम करते तो आप उसका एक बेनिफिट लेते हैं। तो इस वक्त यानी कि स्पेशल ग्रुप में आज भी कॉल्स दी गई अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके टारगेट्स अचीव हुए, सेल कॉल भी थी, बाय कॉल भी थी। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी स्पेशल ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। इसके अलावा कल के दिन आपने खास करके ध्यान रखना है और स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास नजर रखनी है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामर मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।